दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लगभग 7 महीने पूरे होने को आ चुके हैं। इस केस में अब तक सीबीआई, मुंबई पुलिस, ईडी, एनसीबी और ना जाने कितने ही लोग इस केस की जांच पड़ताल में लगे हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है। और सुशांत के जितने भी फैंस हैं या सुशांत को जो नहीं भी जानते थे वो लोग भी, और सुशांत का पूरा परिवार, ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा, उनके बारे में जो भी जांच पड़ताल चल रही है उसका नतीजा कब निकल कर सामने आएगा। लेकिन इसी बीच एक खबर ये निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई सीबीआई टीम का गठन किया गया है। देखिये, ये जो खबर आ रही है इसे प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या लिखा है वो कुछ इस तरह से है, सुशांत सिंह डेथ केस की जांच के लिए एक नई सीबीआई टीम बनाई जा रही है जो आगे की जांच पड़ताल करेगी। नई टीम अगले कुछ दिनों में सबूत के आधार पर जांच करेगी, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, उम्मीद मत छोड़िए। अब देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीबीआई टीम पिछले 5-6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत केस में लगी हुई है उसे हटाकर जो नई टीम का गठन किया गया है उसे ये केस सौंप दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो पुरानी टीम है और नई टीम, ये दोनों टीमें मिलकर अगले 6 महीने तक इस केस की जांच करेंगी। यानी सुशांत सिंह राजपूत मामले से जो भी अब तक सबूत निकल कर आए हैं या जो सबूत आ सकते हैं उसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि सुशांत का मामला खत्म हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि नई टीम का गठन इसलिए किया गया हो ताकि सुशांत केस जो हमें छोटा सा लग रहा है ये हमारी सोच और कल्पना से कहीं और ज्यादा बड़ा है, इसके पीछे और भी बहुत बड़े राज छुपे हो सकते हैं। हो सकता है कि सुशांत का जो मामला है वो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हो, इसलिए जो सीबीआई है और जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि सुशांत मामले में कोई भी कसर ना छूटने पाए। तो ये हमारा अभी तक का अंदाजा है। लेकिन एक अंदाजा मुझे ये भी है कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन के दौरान पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर अपने आप को प्रॉफिट देने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बिहार इलेक्शन पूरा हुआ उसका रिजल्ट आया, सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद सुशांत का जो केस है वो खाली डिब्बे में चला गया। उसके बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया और ना ही टीवी डिबेट की मीडिया में इस तरह की कोई बातें छिड़ी गई कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसे लेकर फिर से जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो फिर से एक्टिव हो चुकी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को थोड़ा सा तो उछाला जा सके और उसका जो बेनिफिट है वो हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिल सके। दोस्तों ये मेरी अपनी राय है, बाकी जो भी राय है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि इस नई सीबीआई टीम को लाने का क्या मतलब है और उसके क्या मायने हो सकते हैं, ये तो आने वाले कुछ महीनों के बाद ही पता चल सकेगा कि नई सीबीआई टीम को क्यों लाया गया है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।